आया है आपका दोस्त, तो फोन उठाइए और नंबर लगाइए अपने दोस्त लव गुरु शांतनु को। And here comes our first caller. Hello? Hello? Who is this? मुझे आपसे उसके बारे में बात करनी है। एक लड़का है, मैं उसको पसंद करती हूँ और शायद वो भी मुझे पसंद करता है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मैं किसी भी मुसीबत में होती हूँ तो वो वहाँ पहुँच जाता है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। Wow, you are a really lucky girl to have a boyfriend like this. पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? I mean, he's such a nice guy. वही तो पता नहीं चल रहा वो इंसान है भी या कोई। मतलब? कहीं वो कोई। Hello? What happened? Hello? हेलो दीदी, शादी की तैयारी में तो थोड़ा वक्त लगेगा ना। आप ऐसा करो, आप लड़के वालों को इसी संडे को बुला लो। एनआरआई लड़का है दीदी, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। एक बार सोनल को देख ले तो फिर बात पक्की कर दें। मुझे रिया, हमेशा मेरी जगह ले लेती हूँ। रिया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, आप ना सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरी गाड़ी का फुल टैंक पेट्रोल था, कैसे खत्म कर दिया आपने? अरे वो सब बाद में बताऊंगी, मुझे बहुत सारे काम थे और इस वक्त मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो सब बातें बाद में। आपको बताएं, मुझे आफ्टरनून में फ्रेंड्स के साथ जाना है, कैसे जाऊंगी अब मैं? अरे हो जाएगा। रिया नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तू तू जाए। प्लीज एक बार मेरी कोई बात नहीं सुननी है। कितनी जिद्दी हो गई है तू। रिया, यहाँ मेरी लाइफ में जिंदगी और मौत जैसी सिचुएशन है और तू मेरी बात ही नहीं सुन रही। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लाऊंगी, तब तो करेगी ना मेरी हेल्प। तेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लाऊंगी, आधे घंटे में वापस आती हूँ, तो प्लीज पापा को संभाल लेना। एक तू ही है जो उन्हें हैंडल कर सकती है, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। तो मुझे पता है, तू तो है ही फट्टू, मुझे तो कोई डर वर नहीं लगता। ओके मेरी सुपर वुमन, मैं बस यूं गई और यूं आई। दिस टाइम आई रियली नीड योर हेल्प। एक तू ही है जो मुझे बचा सकती है। दी 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 दी, मेरी बात तो सुन। दी साहब कौन? मैं सोनल का फादर डॉक्टर। इसे क्या हुआ? ट्रक के साथ फैटल एक्सीडेंट हुआ है। हाउ वाइटल्स आर रियली लो, फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, बट हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा नेक्स्ट 48 आवर्स तक। डॉक्टर साहब, इसे यहाँ लेकर आया कौन? वो तो पता नहीं। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं तो इसके शादी के लिए लड़का देख रहा था। और ये आप धीरज रखिए, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, आइए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। I'm really sorry. आपने मुझे कहा था जिंदगी और मौत का सवाल है, और मैंने ही नहीं समझा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। उठो ना दी, प्लीज उठो ना दी, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी, कभी कोई झगड़ा नहीं करूंगी दी, प्लीज उठ जाओ ना दी, प्लीज।
मैडम डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। एक काम कर बेटा, तू घर जा, मैं हूँ यहाँ। नहीं नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं दी के साथ ही रहूंगी। और यहाँ से तभी जाऊंगी जब दी यहाँ से ठीक होके जाएंगी। आप आ जाइएगा। ठीक है, तू अपना फोन चार्ज रखना, टाइम टाइम से मुझे दीदी की सारी रिपोर्ट देती रहना। पापा ठीक हो जाएंगी। फार्मेसी में जाके चेक करो कि दवाई आई है कि नहीं, मंगाने को बोला था। फार्मेसी पता है ना, फर्स्ट फ्लोर पर, लिफ्ट से निकलकर सीधा राइट ले लेना। ये फार्मेसी है क्या? कोई है? स्मेल क्यों आ रही है? अंदर की तरफ खुलता है। मुर्दों के बीच क्या कर रही है? क्या चाहिए आपको? मैं फार्मेसी ढूंढ रही थी। लगता है अंधेरे में रास्ता भटक गई। फार्मेसी उस तरफ। ये दवाई दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज जरा जल्दी कीजिए, मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो रहा है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मैंने गलती से राइट ले लिया था। तुम्हें राइट नहीं लेफ्ट लेना चाहिए था, बोला था ना मैंने। वो अंधेरा भी बहुत था वहां पे, मैं मॉर्ग में पहुंच गए। ये दवाई है। ड्यूटी पे कौन है वहां पे? सोनल कैसी है, कुछ बताया डॉक्टर ने? हाँ, नर्स गई है दवाई लेके। ये तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ चेंज करने के लिए। डॉक्टर कैसी है सोनल? Well, she's responding to the treatment, but फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर वो मैं पैसे लेकर के आया हूँ, वो आपने कहा था ना सर्जरी और। ठीक है, अभी फिलहाल आप अपने पास रखिए, we will decide। आप बिलिंग काउंटर पे जमा करवा दीजिएगा, 24 आवर्स ओपन है।
और मॉर्ग वो भी खुला रहता है? मॉर्ग क्यों खुला रहेगा, वो तो हमेशा बंद रहता है। वो तो सिर्फ डेड बॉडी रखने और निकालने के वक्त खुला रहता है। नहीं, मैं जब वहां पे थी तो मैंने देखा था किसी को वहां पे। डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। प्लीज The ECG is almost flat. हे भगवान, ये सोनल क्या करने गई थी हाईवे पे? तुझे कुछ बताया था क्या उसने? लड़की बिना कभी किसी को कुछ नहीं बताती, बस सब कुछ अपने अंदर ही अंदर। प्रिया, यहाँ मेरी लाइफ में जिंदगी और मौत जैसी सिचुएशन है और तू मेरी बात ही नहीं सुन रही। अच्छा ठीक है, मैं तेरी गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लाऊंगी, तब तो करेगी ना मेरी हेल्प। तुम रो रही थी अकेले? वो एक्चुअली मेरी थी आईसीयू में। जहां तक मैं जानता हूं, इंसान अकेले में तभी रोता है जब उसे किसी गिल्ट को छुपाना होता है। बात क्या? चलो एक कहानी सुनाता तुम्हें। 8 साल का एक बच्चा था, 8वां जन्मदिन था उसका। अब बेचारे पापा किसी काम में थे, इसलिए घर लौटते वक्त अपने बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं ला सके। बेटा हो गया नाराज, अपने पापा से बात तक नहीं की। अब बेचारे पापा अपने बेटे को नाराज नहीं देख सकते, इसीलिए रात को साइकिल लेने निकल गए। बस तब से मैं इंतजार कर रहा हूं अपने पापा का। वापस ही नहीं है। सालों तक इसी गिल्ट के साथ छुप छुप के रोता रहा, फिर सोचते रहता कि ये घुट घुट के जीने से तो बेहतर है कि ब्लैक कॉफी या एस्प्रेसो। यहाँ हॉस्पिटल में कैफे है जहां दोनों अच्छी मिलती है, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमने यहां बैठकर ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। I think so, you should have a coffee. मेरी गलती, क्यों की मैंने से? ना मैं जिद करती ना दी बाहर जाती और ना ही। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। एक बात बताओ मुझे, जिस ट्रक से तुम्हारी दी का एक्सीडेंट हुआ
उस ट्रक को तुमने भेजा था? नहीं ना। तो एक्चुअली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो काम डाउन। अब ये कैफे, मुझे पता नहीं था हॉस्पिटल में कैफे भी है। कोई आता नहीं है क्या यहाँ पे? ये कैफे तो बहुत पुराना है, लेकिन आज कोई नहीं है इस कैफे में। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना। आपने कैसे ये सोचना बंद किया कि आपके पापा का एक्सीडेंट? बहुत मुश्किल था मेरे लिए सारी चीजों को बुलाना, इसलिए अपने आप को काम में बिजी रखा, और जब भी टाइम मिलता तो बस मेरे अल्टीमेट फेवरेट किशोर कुमार के गाने सुन लिया करता। और गाने सुनते सुनते कब मुझे नींद आ जाती मुझे भी पता नहीं चलता। आपको आपको किशोर दा के गाने पसंद है? पसंद है, पागल हूं उनके गानों के पीछे। किशोर कुमार, अरे कौन उनके गाने नहीं सुन सकता? और मैं तो बैक टू बैक उनके गाने सुनता हूँ और रोज रात को सुनता हूँ। एक मिनट, मतलब आपको भी किशोर दा के गाने पसंद है? जिंगारी कोई भड़के। एक मिनट, आप ना किशोर दा के फैन ही अच्छे हैं। पता है, मेरी दी कहती कि मैं बूढ़ी ही पैदा हुई, वरना इस उम्र में कोई किशोर दा के गाने सुनता है? अरे किसे क्या पता कि तेज बारिश में, आई मीन लिटरली तेज बारिश में जोर जोर से एक लड़की भीगी भागी सी, गाने का मजा ही क्या है? आई मीन आई जस्ट लव इट। आप भी गाना गाते थे बारिश में? हाँ। अरे मैं तो बिन बारिश बारिश इमेजिन करके ये गाना गा लेती थी, क्या मजा आता था। यू नो, एक लड़की भीगी भागी सी, सोई रातों में जागी सी, मिले एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। I'm so sorry, मैं आपका हाथ जला तो नहीं ना? No, it's fine. मैं टिश्यू लेके आती हूँ, एक सेकेंड। क्या अभी आई? हेलो, आ जाओ नीचे। अरे नहीं 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 नहीं, I'll not come, sorry. अरे इतना क्या सोच रही हो, बारिश आ रही है बाहर, जल्दी आओ। पता है कितनी मुश्किल से खुद को रोक रखा है। अब किस लिए? एक लड़की भीगी भागी सी, गाने का मन कर रहा है। एक्सक्यूज मी, फोन आ गया। हाँ पापा। अरे कहाँ हो तुम? पापा मैं जो थर्ड फ्लोर पे कैफे है ना वहाँ पे हूँ। तुम वहीं रुको, मुझे जाना होगा। अब क्या हुआ अचानक से? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इनमें आंसू मत आने देना। अब एक्सक्यूज मी, आपने बताया नहीं आपका भी कोई बीमार है यहाँ? नहीं,
मैं यहां विजिटर नहीं हूं, यहीं रहता हूं। अरे रिया बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अरे नहीं पापा, मैं अकेली नहीं थी, अभी आपके सामने जो वो ब्लू जैकेट में गया आदमी, उसी से बात कर रही थी। अभी? हाँ। अभी तो कोई नहीं गया। नहीं पापा, अभी जो देख रिया, मैंने अभी मुंबई दीदी से बात की है, अगर सोनल की हेल्थ में यह इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम इसे मुंबई शिफ्ट करेंगे। पापा, are you sure यहाँ से कोई नहीं गया? नहीं गया, कोई भी तो नहीं गया। सिस्टर, यस, एक एम्प्लॉय है हॉस्पिटल में, ब्लू जैकेट व्हाइट शर्ट, लंबा सा, नाम क्या है उसका? ब्लू शर्ट में हॉस्पिटल एम्प्लॉय कोई नहीं है, यहाँ का ड्रेस कोड पिंक है सभी एम्प्लॉयज के लिए, कोई विजिटर होगा? नहीं नहीं, विजिटर नहीं है, उसने कहा वो एम्प्लॉय है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके चेक करो, वहीं के लोग कभी कभी रेगुलर कपड़ों में आ जाते हैं। ओके, और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहाँ है? दूसरे माले पर, सबसे लास्ट में। अंदर कैसे पहुंचे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए चेक करने आया था, लिफ्ट को मैंने ही खोला है। पर आप बेसमेंट में क्या कर रही हैं? एक मिनट, कोई दरवाजा तो नहीं टूट गया? नहीं, लेकिन तुम यहां पे क्या कर रहे हो? कहीं तो मेरा एक मिनट मैडम, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है? वही काम कर रहा था, जनरेटर का पावर सप्लाई चेक करने आया था मैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? आईडी कार्ड दिखाओगे मैडम? मैं पीयून या नर्स नहीं जो यूनिफॉर्म में घूमूंगा। सूरज, रिया, I'm so sorry, लिफ्ट में इतना सब कुछ हो गया ना, एकदम से रुक गई और मेरा दिमाग खराब हो गया, तो शायद इसीलिए ये सब। जस्ट रिलैक्स, लगता है इस हॉस्पिटल के माहौल ने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। हाँ, ऐसे मैं जब भी मुसीबत में होती हूँ तुम वहां पहुंच जाते हो, तुम हर जगह पहुंच जाओगे। बिल्कुल, देख लेना, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम वो एक्चुअली मेरी दी आईसीयू में, मुझे शायद जाना होगा। रिया एक मिनट मेरी बात सुनो। रिया मुझे निकलना चाहिए। एक बात पूछूं? सॉरी, बुरा लग रहा है कि बहन आईसीयू में है और तुम यहां। अगर बहन आईसीयू में है तो क्या तुम जीना छोड़ दोगी? जिंदगी और मौत कभी किसी के लिए नहीं रुकती। मुझे जाना चाहिए।
डॉक्टर साहब बिना MRI रिपोर्ट के वो कुछ नहीं बता सकते। आपके हॉस्पिटल की मशीन खराब पड़ी, ये क्या है? पैसे तो हम भर रहे हैं ना, कुछ करते हैं। क्या हुआ पापा, आप वापस आ गए? वापस क्या बेटी, मैं मुंबई गया। उन्होंने साफ बोल दिया कि बिना एडवांस्ड MRI रिपोर्ट के वो कुछ नहीं बता सकते, और यहाँ के पता चल रहा है कि इनकी मशीन खराब पड़ी है, और ऊपर से ये कि इनके पास कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है ठीक करने के लिए। अरे नहीं पापा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है इस हॉस्पिटल में, अभी उसी से मिल के आ रही हूँ। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे, कुछ कंफ्यूजन होगा पक्का। मैं बात करती हूँ इनसे, आप परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है, तू बात कर, तब तक मैं दीदी से बात करता हूँ। ठीक है। आप एक्सक्यूज मी, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है? है तो हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सूरज। सूरज है नहीं, सूरज था। 15 दिन पहले उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई इसी हॉस्पिटल में। ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे? बेसमेंट में जनरेटर चेक करते वक्त उसे हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं ही उसका इलाज कर रहा था। बट सर, पता नहीं कैसे पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में उसका नाम अभी भी दिखाई देता है। टिश्यू लेके आती हूँ, एक सेकेंड। रिया, बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू ऐसा कर बेटी, तू घर जा, आराम कर। मैं हूँ यहाँ, मैं सब संभाल लूंगा। तू टैक्सी लेके अकेली चली जाएगी ना घर? हाँ पापा, मैं चली जाऊंगी, अब परेशान मत हो। तू जा। And here comes our first caller. Hello? Hello? Who is this? मुझे आपसे उसके बारे में बात करनी है। एक लड़का है, मैं उसको पसंद करती हूँ और शायद वो भी मुझे पसंद करता है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या ना पसंद है। मैं किसी भी मुसीबत में होती हूँ तो वो वहाँ पहुँच जाता है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। Wow. You are a really lucky girl to have a boyfriend like this. But isme problem kya hai? I mean, he's such a nice guy. Wahi to pata nahi chal raha, wo insaan hai bhi ya koi? Matlab? Kahin wo koi? Hello? What happened? Hello? सूरज है नहीं, सूरज था। 15 दिन पहले उसे हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पता नहीं कैसे पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में उसका नाम अभी भी दिखाई देता है।
ब्लू शर्ट में हॉस्पिटल एम्प्लॉय कोई नहीं है, यहाँ का ड्रेस कोड पिंक है सभी एम्प्लॉयज के लिए। ऊपर वाला मैं आज ही के दिन मिलवाना चाहता था। देखो ना, आखिर मैं पहुंच ही गया तुम्हारे पास। क्या हुआ, अब भी शक है? तुम्हें लगता है कि मैं भूत हूं? अगर तुम्हें लगता है कि मैं भूत हूं ना, तो मुझे गले लगा लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान। सूरज मजाक मत करो प्लीज, वो डॉक्टर ने डरा दिया मुझे। डॉक्टर ने? हाँ। अरे डॉक्टर को ये नहीं पता कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं, उन्हें ये कैसे याद होगा कि कौन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? एंड आई एम वेरी श्योर कि उन्हें ये भी नहीं पता कि एक ही नाम के दो इंजीनियर्स हैं। हाँ? एक जो मरा उसका नाम सूरज गुप्ता है और एक जो तुम्हारे सामने है वो भी सूरज है। अब बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? पर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अब क्या करूं मैं, तुम्हें मुसीबत से बचाने की आदत सी हो गई मुझे। ओके, जब तुम हॉस्पिटल से निकल रही थी ना, तब तुम्हारी इयरिंग गिर गई थी। ये वाली। अब मैं तुम्हारे पीछे भागा भी था, तुम्हें आवाज भी थी, लेकिन तुम्हारी टैक्सी निकल गई और टैक्सी का पीछा करते करते मैं यहां तुम्हारे पास आ गया और तुम मुझे मिल गई। सूरज, जब दी को इन सब के बारे में पता चलेगा सरप्राइज हो जाएंगे कि वो वहां हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं तुम्हें मिल गया उसी हॉस्पिटल में। पापा भी आने वाले हैं, मिलके चले जाना। ऑफ कोर्स, तुम्हारे पापा से तो मिलके जाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना है। हम आज ही के दिन मिले ना, आज ही के दिन मैं तुम्हारा ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बनाऊं, इसीलिए एक छोटा सा सरप्राइज तो बनता है ना तुम्हारे लिए। देखना, इस रात को तुम कभी भूल नहीं पाओगी। अभी आता हूं।
जल्दी आ गया सूरज। दीदी, मैं वो नारियल ले आया जो आपने मुझे कहा था। मेरी आवाज सुनकर जैसे रिया बाहर आई थी, मैंने नारियल का मुंह बंद कर दिया था। रिया, रिया, सूरज, रिया, सूरज कहाँ हो तुम? से आ रही थी। उससे पहले उसने इसे छुआ था ना? हाँ दीदी, पिछले दो दिनों से मैं यही तो कोशिश कर रहा था। उसे कोई शक तो नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? याद रखना, ये तभी काम करेगा जब वो तुम पे पूरा ट्रस्ट करती होगी। दीदी, शक की कोई बात ही नहीं, रिया मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि आप या मैं सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने जैसे कहा था, ये जिंदगी तो लौटा देखा ना। निशी है ये, इसका असर तो होगा ही, ये किया ही जाता है किसी और की जिंदगी किसी और को देने के लिए। रुको, एक बार फिर सोच लो। इसे पी के वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन याद है ना जो मैंने कहा था? मुझे बस उसकी जिंदगी चाहिए। जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए, ये तड़प कह रही है मिट जाए, फासले ये तेरे मेरे दरमियान जो है सारे, कर लो। तो ऐसे घास पे कोई लेटता है क्या? पागल हूं, इसीलिए तो प्यार करता तुमसे। अरे छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना। नहीं छोड़ सकता। एक बात को सुनो। बोलो। बिना तुम्हारे जीना बहुत मुश्किल हो गया मेरे। अब मैं कोई अलग नहीं कर सकता,
शायद पापा अलग कर देंगे हमें। तुम्हें पता है वो मुझे लव मैरिज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। पता आजकल एक NRI लड़का ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। सोनू 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 सुनो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझता हूँ, पर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ना, जहाँ भी जॉब इंटरव्यूज होते हैं सब जगह जाता हूँ, अच्छे से इंटरव्यू देता हूँ, पर समझ नहीं आता कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, बस एक बार जॉब मिल जाए ना, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पापा के पास आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। पक्का? सोनू, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारा क्या पागलपन है। अरे पेट्रोल भराने के लिए इस वक्त कोई हाईवे पे जाता है क्या? अरे जब किसी काम से घर से बाहर निकलोगी तब पेट्रोल भरवा देना। हेलो हेलो, सुनो हर्ष, वेरी मच, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मिस्टर शर्मा, आपको एक गुड न्यूज देनी थी, आपकी बेटी सोनल को होश आ गया है। शायद मेरी किस्मत में एक बेटी का खोना ही लिखा था, इसलिए तुम तो ठीक हो गई, पर रिया, हर वक्त मेरे दिमाग में एक ही एक बात घूमती रहती है कि क्या, पता नहीं क्या हुआ होगा रिया के साथ, ऐसी कौन सी इंटरनल इंजरी हो गई होगी उसे। वो ड्राइवर आगे बैठा हुआ था, वो आज भी बिल्कुल ठीक है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये सब क्या सोचते रहते हैं? मैं तो कहती हूँ आप मेरे और हर्ष के साथ चलिए, वहीं रहिए, आपको यहाँ अकेले क्यों रहना है? अरे नहीं नहीं, तुम लोगों की अभी अभी शादी हुई है, घूमो फिरो। मुझे तो बस इस बात की तसल्ली है कि मुझे हर्ष जैसा समझदार दामाद मिला, बहुत साथ दिया उसने हमारा। पापा, शादी के बाद आदमी बदल जाता है क्या? हर्ष को देखिए ना, शादी से पहले कितना लाइवली, कितना चेयरफुल होता था, शादी होने के बाद हर वक्त चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। मैं पूछती भी हूं तो कुछ अजीब तरह से बिहेव करता है। अब देखिए ना, हम सब यहां बैठे हैं और वो अपने कमरे में। तुम कहीं परेशान तो नहीं करती उसे? अरे उसे खाने के लिए बुलाओ ना। हाँ बुलाती हूँ। हर्ष, हर्ष नीचे खाना लगा है, जल्दी आ जाओ। कैसे हो हर्ष बेटा?
हर शब्द तो डॉक्टर को दिखा दो ये पीठ का दर्द। इसे कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता।